तीव्रत कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। स्टील का जो बर्तन है किचन वेयर, स्टील का जो बर्तन है किचन अप्लायंसेस एंड ऑल द स्टील का जो बर्तन है हम किचन में यूज करते हैं, खाने पीने का प्लेट्स वगैरह, तो जितने सारे स्टील का बर्तन है उसका कौन से कंट्री में ज़्यादा डिमांड है उसके बारे में बात करेंगे, किचन वेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूँ किचन वेयर, स्टील अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस और स्टील का बर्तन कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। तो आज का टॉपिक है डिमांड कौन से कंट्री में है स्टील का बर्तन का, उसके ऊपर हम बात करेंगे और कौन से स्टेट से आप ये अरेंज करके एक्सपोर्ट करोगे और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और कौन से कंट्री में ज़्यादा डिमांड है उसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। स्टील का बर्तन, स्टील का जो बर्तन है वर्ल्ड में हर कंट्री में डिमांड है और अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा करके जो सिल्वर का बर्तन है सिल्वरवेयर, सिल्वर का बर्तन का ज़्यादा डिमांड है क्योंकि सिल्वर का थोड़ा सस्ता रहता है, स्टील का थोड़ा महंगा रहता है। और इंडिया में स्टील का बर्तन काफ़ी सस्ता में आप किलो के हिसाब से खरीद के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करोगे, आप पीस के हिसाब से एक्सपोर्ट करोगे। तो इंडिया में आप उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट एरिया बता दिया, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इसी स्टेट से आपको अरेंज करना है। तो कहाँ से आप अगर इंडियामार्ट.com, tradeindia.com जो साइट्स है इसमें जाकर आप सोर्स कर सकते हो स्टील का बर्तन या किचन वेयर, स्टील अप्लायंसेस वगैरह आप सर्च करोगे तो इन्हीं साइट से आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर से ही आपको प्रोडक्ट लेना है, होलसेलर से नहीं लेना है, मैन्युफैक्चरर से फैक्ट्री से लेना है। तो फैक्ट्री से लोगे तो आपको किलो के हिसाब से आपको मिलेगा 250 रुपीस मिनिमम किलो के आप प्राइस में मिलेगा, उससे सस्ता में भी मिल सकता है, 200 रुपया, 150 रुपया भी मिल सकता है किलो। तो किलो के हिसाब से लेकर उसको आपको ब्रांड करके पैक करके भेजना है। अगर आप इसका ब्रांड बना लोगे किचन अप्लायंसेस का स्टील का, आपका ब्रांड बना लोगे तो फैक्ट्री वाले को फैक्ट्री को बता दोगे कि आपका ब्रांड में उसको पैक करके देना है। और हर स्टील का बर्तन का पीछे आप देखा होगा प्लेट्स का पीछे नीचे लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है, तो वहाँ से आपको ठीक से पैकिंग करके फैक्ट्री को बताने का है कि आपको ब्रांड में उसको कोट करना है, मतलब उसको लिस्ट, उसका जो हर एक बर्तन के पीछे नीचे उसमें आपका कंपनी का नाम लिखा रहेगा, कोटिंग करके लिखा रहेगा। और प्रेशर स्टील का जो प्रेशर कुकर है उसका काफ़ी डिमांड है, वर्ल्ड वाइड डिमांड है, आपको पीस के हिसाब से 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया में आपको ख़रीदना है और काफ़ी हाई प्राइस में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसका मैं बता दिया कहाँ से सोर्स करना है, तो 5 स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इसी एरिया से लेना है, एक्सपोर्ट करना है आपको वर्ल्ड वाइड। तो कहाँ एक्सपोर्ट करना है, कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, अमेरिका, USA, UK एंड ऑल द यूरोपियन कंट्री, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, ये जो कंट्री आप लिख के रख लीजिए, USA, UK, ऑल द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है, जैसा कि जर्मनी हो गया, देन स्विट्ज़रलैंड, ऑल द कंट्रीज, क्योंकि हर घर में स्टील का बर्तन यूज होता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा करके सिल्वर का यूज नहीं करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। तो आपको यूरोपियन यूनियन को टारगेट करना है, UK जो है यूनाइटेड किंगडम EU में नहीं है, यूरोपियन यूनियन में नहीं है, जर्मनी है, तो UK एंड 27 कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, देन रशिया, देन मिडिल ईस्ट में है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन ओशेनिया में है ऑस्ट्रेलिया, जो कंट्रीज है ये कंट्रीज़ को टारगेट करना है। बाकी जो एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री में भी काफ़ी डिमांड है, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लेकिन इस एरिया को ज़्यादा करके चाइना डोमिनेट करके रखा है, चाइना से वहाँ से डायरेक्ट उसका हाईवेज, रेलवेज कनेक्ट किया है, तो चाइना इजीली एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन ये जो एरियाज बता दिया आपको, यूरोपियन यूनियन, UK, अमेरिका, UAE एंड रशिया, ये कंट्री को चाइना जल्दी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, कर पा रहे लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसी एरिया में, इसी कंट्रीज में ज़्यादा डिमांड है ये जो स्टील बर्तन का। और रशिया में, मैं काफ़ी टाइम रशिया में जाता रहता हूँ, तो रशिया में ज़्यादा डिमांड है, रशिया में बहुत महंगा है। रशिया में जैसे कि एक आप प्रेशर कुकर लेने को जाओगे तो काफ़ी महंगा है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है
इंडिया में 50 रुपये है और रशिया में 200-300 रुपये रहेगा। जो जो प्रोडक्ट है 100 रुपये का इंडिया में, रशिया में 500 रुपये का रहेगा। तो रशिया एक बड़ा मार्केट है, अगर ओनली आप रशिया को टारगेट करोगे स्टील बर्तन का, तो काफ़ी आपको मिलेगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन अभी वार के वजह से, यूक्रेन एंड रशिया का वार के वजह से लॉजिस्टिक सप्लाई थोड़ा महंगा है, मतलब लॉजिस्टिक नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए। एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा है, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए आप एरोफ्लोट रशियन एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या एयर अस्ताना जो कजाकिस्तान एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और बाकी जो चाइना का शिपिंग कंपनी के थ्रू कर सकते हो। लेकिन चाइना का शिपिंग कंपनी रशिया पहुंचते तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है, या यूरोपियन यूनियन होकर भी काफ़ी लंबा टाइम लगता है, और 40 डेज लग जाता है फिलहाल। तो इसलिए आप थोड़ा लॉजिस्टिक कंपनी चेक करके देख सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या कोगोपोर्ट.com crex.com में आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो स्टील बर्तन का एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, तो आप मेरा अमेरिका का वीडियो देख सकते हो, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूके, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जर्मनी, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूएई, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया, तो जितने सारे कंट्री है यूरोपियन यूनियन का 27 कंट्री का वीडियो भी बन चुकी है, इसी चैनल में आप देख सकते हो। अमेरिका, कैनेडा, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, दुनिया का जितने सारे कंट्री है हर कंट्रीज के ऊपर वीडियो बन चुकी है, आप इसी चैनल में जाकर वन बाय वन देख सकते हो। कैसे आप, जैसा कि अमेरिका है, अमेरिका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे भारत से, और अमेरिका से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, तो दो दो वीडियो बन चुकी है, तो आप मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं, और स्टील बर्तन कैसे एक्सपोर्ट करोगे वो भी वीडियो देख सकते हैं, और इन्हीं कंट्री का वन बाय वन वीडियो देख लीजिए, आपको एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको पता चलेगा। और रशिया मार्केटिंग करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रशिया मार्केटिंग करने के लिए, और मैं आपको हेल्प करूँगा। और बाकी जितने सारे कंट्री का मैं बता दिया, इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्या क्या लाइसेंस लगेगा स्टील बर्तन एक्सपोर्ट करने के लिए, क्या क्या लाइसेंस लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपका कंपनी होना चाहिए, आपका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या जो भी कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी, MSME होना चाहिए, और IC कोड होना चाहिए, GST, AD कोड, परफॉर्मा इनवॉइस, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, शिपिंग बिल, इंश्योरेंस और बिल ऑफ लेडिंग, तो ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। रशिया को क्यों मैं बोल रहा हूँ, रशिया 2018 से 2022 तक ज़्यादा करके चाइना से इम्पोर्ट करता है स्टील बर्तन, और निकारागुआ, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, निकारागुआ से इम्पोर्ट करता है। रशिया 2018 से 22 तक अप्रोक्सीमेटली हर साल $200 to $300 million का इम्पोर्ट करता है ओनली फ्रॉम निकारागुआ। निकारागुआ एक काफ़ी दूर कंट्री है, रशिया से काफ़ी दूर है, अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो निकारागुआ एक्सपोर्ट कर पाता है टू रशिया। तो आप रशिया को ध्यान दीजिए, रशिया अप्रोक्सीमेटली हर साल $200-300 million का इम्पोर्ट करता है निकारागुआ से, और $200-300 million का बर्तन इम्पोर्ट करता है चाइना से। तो आप रशिया को ध्यान दीजिए, रशिया को आप कम से कम अगर 10% भी एक्सपोर्ट कर पाओगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और अमेरिका है, अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन, UAE, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इन्हीं कंट्री को टारगेट कर लीजिए, और कहाँ से प्रोडक्ट लेना है मैं बता दिया, ब्रांड करके, ब्रांडिंग करके आप ठीक से पैकिंग करके इन्हीं कंट्री को टारगेट कर लीजिए। और अगर आपको मार्केटिंग के लिए आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।